Assalamu alaikum. This is Anwar Hussain from English Possible YouTube channel. So students, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन. आज का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक एडवांस स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं पैसनेट अबाउट. क्या कहते हैं? पैसनेट अबाउट. आई थिंक आपने सुना है कि नहीं सुना इसके बारे में. लेकिन अगर आपने नहीं सुना है पैसनेट अबाउट होता है क्या है, इसका हिंदी क्या होगा और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे पैसनेट अबाउट का इस्तेमाल करना और इसका हिंदी भी बताएंगे और इसका बताएंगे कि कितना यूजफुल है आपके लिए. और मैं आपको सेंटेंसेज बनाकर जो है सिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी हम कराएंगे आपको. तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी की सारी वीडियोज आपको टाइम पर मिल जाया करेगी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो पैसनेट अबाउट आज का हमारे पास एडवांस स्ट्रक्चर्स है. क्या है हमारा एडवांस स्ट्रक्चर्स है? पैसनेट अबाउट का हिंदी होता है जुनून होना. क्या होता है? जुनून होना. जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी को किसी बात की जुनून होती है, तो आप बताएंगे आपको किस किस बात की जुनून है. तो मैं सेंटेंसेस बनाने का तरीका बता देता हूँ. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देखते हैं इसका कैसा बनेगा. सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा आपका उसके अकॉर्डिंग जो है उसके बाद इस्तेमाल हम लोग पैसनेट अबाउट. क्या आएगा? पैसनेट अबाउट आएगा. पैसनेट अबाउट के बाद अगर वर्ब है तो वर्ब में एनी फॉर्म लगेगा. अगर वर्ब नहीं है यानी नाउन है तो नाउन का जो भी चीज को आप जिस चीज का आपके पास जुनून है वो इस्तेमाल हम लोग करेंगे और उसके बाद प्लस और लाके हम लोग अदर वर्ड्स के इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो जाएगा. फिर से एक बार देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसनेट अबाउट प्लस वी फोर या नाउन प्लस अदर वर्ड्स. क्लियर? चलिए तो सबसे पहले एक सेंटेंस हम लेते हैं. जैसे मैं हिंदी देता हूँ, उसे क्रिकेट का जुनून है. क्या कह रहा हूँ मैं? उसे क्रिकेट का जुनून है, मतलब वो इतना ज्यादा पागल उसके पास इतनी पागलपंती है क्रिकेट का कि वो क्रिकेट ही के बारे में सोचता है. तो हम लोग कह सकते हैं उसके पास क्रिकेट का जुनून है, मतलब उसे क्रिकेट का जुनून है, उसको बोलेंगे ही इज पैसनेट अबाउट क्रिकेट. क्या बनेगा? ही इज पैसनेट अबाउट, ही इज पैसनेट अबाउट, उसे जुनून है क्रिकेट का. क्रिकेट हमने कर दिया, ही इज पैसनेट अबाउट क्रिकेट, उसे क्रिकेट का जुनून है. अगर और भी हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि दूसरा सेंटेंस देखते हमारा क्या है कि जैसे कि वो कुछ लड़कियों को कुकिंग का जुनून है. कुकिंग यानी खाना बनाने का जुनून है. तो कुछ लड़कियों को हम लोग क्या कहेंगे? सम गर्ल्स कहेंगे. सम गर्ल्स आर पैसनेट अबाउट कुकिंग. सम गर्ल्स आर पैसनेट अबाउट कुकिंग. आप देख सकते हैं जो कुकिंग आया है यानी कुक जो फर्स्ट फॉर्म है, इसे हमने आईनी फॉर्म प्लस किया. क्यों किया? क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग वर्ब में एनी फॉर्म आना है, इसलिए हमने क्या कर दिया है? कुकिंग का इस्तेमाल किया है. सम गर्ल्स आर पैसनेट अबाउट कुकिंग, कि कुछ लड़कियों को कुकिंग का जुनून है. आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है. सम बॉयज आर पैसनेट अबाउट कार, के कुछ लड़कों को कार का जुनून है. कुछ लड़कों को कार का जुनून है. सम बॉयज आर पैसनेट अबाउट कार. तो अक्सर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं. अक्सर आजकल के जो लड़के हैं उसको कार, बाइक, मोबाइल फोन, इन सारी चीजों का जुनून होता है. तो हम लोग कह सकते हैं, सबसे पहले कहेंगे, चलो अब मैं बोलूं मुझे बाइक का जुनून है. क्या बोलेंगे? जैसे अगर आपको बाइक का जुनून है तो बोलोगे मुझे बाइक का जुनून है. सो बोलोगे आई एम पैसनेट अबाउट बाइक. बहुत सिंपल सेंटेंसेज है. कितना सिंपल वर्ड, आई एम पैसनेट अबाउट बाइक, मुझे बाइक का जुनून है. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है हम आपको इंग्लिश सीखने का जुनून है. क्या है? आपको इंग्लिश सीखने का जुनून. कैसे जुनून है आपको? है तो आपके लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे? यू करते हैं. यू आर पैसनेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश. यू आर पैसनेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश. आपको इंग्लिश सीखने का जुनून है. जैसे मैं कहूंगा मुझे इंग्लिश बोलने का जुनून है, तो मुझे जुनून है. आई एम पैसनेट अबाउट, यहां तक क्लियर कर दीजिए आप. आई एम पैसनेट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश. आई एम पैसनेट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने का जुनून है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा है जैसे बोलेंगे कि उसे जो है टीचिंग का जुनून है. किसे? उसे टीचिंग का जुनून है. शी भी हो सकती है, ही भी हो सकता है. तो मैं बोलूंगा उसे टीचिंग का जुनून है. शी इज पैशनेट अबाउट टीचिंग. शी इज पैशनेट अबाउट टीचिंग, उसे टीचिंग यानी पढ़ाने का जुनून है. जैसे मैं कहूँगा मुझे पढ़ाने का जुनून है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का जुनून है. आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग इंग्लिश. क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है जिसमें मैं कहूंगा शाहरुख खान को एक्टिंग का जुनून हो सकता है. शाहरुख खान को एक्टिंग का जुनून हो सकता है. किसे हो सकता है? शाहरुख खान. द शाहरुख खान कैन बी पैशनेट अबाउट एक्टिंग. द शाहरुख खान कैन बी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, कि शाहरुख खान को एक्टिंग का जुनून हो सकता है. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सलमान खान को
ज़रूरतमंदों की मदद करने का जुनून हो सकता है। किसे हो सकता है? सलमान खान को ज़रूरतमंदों के मदद करने का जुनून हो सकता है। द सलमान खान कैन बी पैशनेट अबाउट सपोर्टिंग नीडी पीपल। फिर से देखिए, द सलमान खान कैन बी पैशनेट अबाउट सपोर्टिंग नीडी पीपल, कि सलमान खान को ज़रूरतमंदों की मदद करने का जुनून हो सकता है। चलिए आगे देखते, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैं कहूँ, कुछ लड़कों को यानी कुछ बच्चों को वीडियो गेम खेलने का जुनून हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो है आजकल के जो बच्चे होते हैं अक्सर वो मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि सम चिल्ड्रन कैन बी पैशनेट अबाउट प्लेइंग गेम, कि कुछ बच्चों को प्लेइंग गेम यानी वीडियो गेम खेलने का जुनून हो सकता है। सम चिल्ड्रन कैन बी पैशनेट अबाउट प्लेइंग वीडियो गेम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, जैसे मैं कहूँ लोगों को पैसे कमाने का जुनून है, लोगों को पैसे कमाने का जुनून है। तो किसे जुनून है? लोगों को जुनून, लोग को हम लोग क्या कहेंगे इसमें? पीपल कहते हैं। पीपल आर पैशनेट अबाउट मेकिंग मनी। मेकिंग मनी का इस्तेमाल हमने किया है, पैसे कमाने के लिए हम लोग मेक मनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल आप अर्न का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, earn, अर्न का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या मेक मनी। तो अब मेक मनी है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? मेकिंग मनी आना चाहिए। सो पीपल आर पैशनेट अबाउट मेकिंग मनी, कि लोगों को पैसे कमाने का जुनून है। क्लियर? यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लेजेंड। लेजेंड को नाम कमाने का जुनून है। लेजेंड्स आर पैशनेट अबाउट फेम, यानी फेम का मतलब होता है कि लाइक फेम होना, फेमस होना, मशहूर होना। सो लेजेंड्स आर पैशनेट अबाउट फेम, कि लेजेंड्स को जो है नाम कमाने का जुनून है। आपको आपको क्या आप बताएंगे कि आपको किस किस कामों का जुनून है? अब मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप अपना जुनून व्यक्त करें, कि मतलब कि आपको किस बात का जुनून है। आप वीडियो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और देखें कि आपने सही सेंटेंस बनाया नहीं बनाया, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो मुझे कमेंट्स करें, या मेरे व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाएँ। मेरा व्हाट्सएप मैं नीचे दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये आज का हमारा लास्ट सेंटेंस था। तो अगर वीडियो आया, पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, और शेयर कम से कम 2-4 लोगों को शेयर करिए। से क्या होगा, ताकि जो लोग बेचारे जो गांव में रहने वाले हैं, ऐसे जगह पर रहने वाले जैसे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं कि सबको जाके सिखाया जाए, तो आज हम जो है इस माध्यम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हम उन तमाम लोगों तक, तमाम दोस्तों तक ये सारी चीज वीडियोस पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी कुछ सीखे, उसे भी हक है कुछ पढ़ने लिखने का। तो वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है।